आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सिंधु सेना ने थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चों की मदद के लिए रक्तदान किया। थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों को हर 20 से 25 दिन में रक्त चढ़ाना पड़ता है। सिंधु सेना भोपाल ने संत हिरदाराम साहब जी की पुण्यतिथि पर लाल घाटी गुफा मंदिर के पास रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 52 लोगों ने रक्तदान किया। संत जी के चित्र पर माल्यार्पण कर रक्तदान शिविर प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर सिंधु सेना ने अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है और सिंधु सेना संत जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए मानव सेवा को ही माधव सेवा मानती है। ब्रह्मलीन संत शिरोमणि हिरदाराम साहब जी की 12वीं पुण्यतिथि पर आज सिंधु सेना द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर उन बच्चों के लिए है, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, जिनको हर 15 से 20 दिन में रक्त लगता है। संत जी अपने वचनों में, अपने आशीर्वाद वचन में सबको कहा करते थे कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। उसी वाक्य को हम चरितार्थ करते हुए यहां पर सिंधु सेना द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए आयोजित किया गया, क्योंकि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को हर 20 से 25 दिन में रक्त की ज़रूरत पड़ती है। कई बार रक्त ना उपलब्ध हो पाने के कारण उनको जीवन का खतरा बना रहता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।